हाँ, बीती रात पाला पड़ने से किसानों को आलू किसानों को चिंता जता रही है कि कहीं पाले से आलू खराब ना हो जाए। और हमने अभी फतेहाबाद क्षेत्र में देखा है, बड़े पैमाने पे किसान फसलों में पानी लगा रहे हैं, कोई यूरिया लगा रहे हैं, कोई अन्य चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे अपनी आलू की फसल को बचाया जा सके। इसी को लेकर हम आज फतेहाबाद के गांव में पहुंचे और किसानों से रूबरू होकर जानना चाहेंगे क्या स्थिति है। इसी को लेकर कृपालपुरा गांव में है और अपने साथी किसान से जानने की कोशिश करेंगे। आलू पर आया पाले का असर, किसान परेशान। शनिवार रात आसमान से हुई बर्फबारी के कारण जहां वातावरण ठंडा हो गया, वहीं कई जगह मैदानी क्षेत्रों में बर्फ जमी हुई पाई गई, जिसको लेकर आलू किसानों में चिंता हुई तथा कुछ जगह बर्फ के कारण आलू में नुकसान देखा जा रहा है। इससे बचने के लिए किसान खेतों में पानी, यूरिया सहित अन्य दवाओं का छिड़काव कर रहा है, जिससे आलू की फसल को सर्दी से बचाया जा सके। जहां पाले के कारण कई खेतों में आलू की फसल जली हुई दिखाई दे रही है, इसी को लेकर फतेहाबाद क्षेत्र में कई किसानों से बातचीत की। क्या नाम है आपका? गणेश कृपाल। अच्छा, जैसे अभी इस बार आलू की फसल की स्थिति क्या है, कैसी है इस बार आलू की फसल? का पाला ऐसा सुखड़ गया, जैसे आंच लगा दी का ऊपर के पत्तन पे। ये किस वजह से हुआ है ये पता नहीं कर रहा है। जाड़ा सा पानी दे रहे हैं, टाइम से यूरिया दे रहे हैं, डाई फाई सही काम कर रहे हैं, तब भी दवाई छिड़क रहे हैं, तब भी मालूम ना पड़ रही कौन से रोग से। तो आपके खेत में या ज्यादातर खेतों में ये स्थिति है? सब खेतों में देख रहे हैं, ऐसे ही है। तो आलू की जो पैदावार पे जैसे जो बीज निकलना शुरू हुआ है, जो उसमें से तो क्या असर पड़ा है इसका? निकलने कम हुए हैं, जैसे आलू की संख्या कम है या क्या है? संख्या कम होगी तो पाल पड़ेगा तो नीचे की पैदावार कम होगी। क्या नाम है दादा आपका? सुरेश। आज रात में बताया है कि पाला पड़ा है, हाँ पड़ो, क्या असर पड़ा है? झाड़े की संभावना है और का है। उसके बचाव के लिए क्या किया जा रहा है? और जो तो भैया आप करेंगे, किसान पानी दे रहे हैं। हाँ, पानी दे रहे, घाट क्या लग रहा है और क्या क्या बचाव करने की पाला पड़ रहा है, तो फसल आलू की बचानी चाहिए। उसके लिए कुछ और उपाय जी, जो रोकथाम है रोक जाके करो भैया।